बहुत अच्छे होंगे। हम आ गए हैं गांव फिर से और साथ में आप देख सकते हैं अयान्स के बड़े पापा और उधर बैठी हैं बड़ी मम्मी। बड़े पापा जो है शाम को जो गाय बैल होता है वो चराने गए थे और अभी आ गए हैं शाम को घर और वो मिले हम लोगों से। इतना मज़ा आ रहा है इनके साथ, वो हमको देखते एकदम एक्साइटेड हो गए। और ये देख सकते हैं अयान्स को जो है अपने साथ, अयान्स के साथ मतलब वो खेल रहे हैं, मतलब इतना प्यार करते हैं। हम आए और घर की रौनक बढ़ गई। वाकई ना, जहाँ बच्चे हो और जहाँ बूढ़े हो वहाँ पर घर की रौनक वाकई बढ़ जाती है। घर में हो तो बहुत ही अच्छा जाता है और साथ में जब बड़ों का आशीर्वाद हो तो ये जो घर है ना वाकई मंदिर हो जाता है। तो बस बड़े पापा का अच्छा थक गले, अच्छा बड़े पापा आए हैं अभी, वो गए थे भैंसा को चराने के लिए। हमारे घर में भैंसा भी पाल के रखे हैं जिसको चराने के लिए गए थे। हाँ, और बड़े पापा आए हैं, मिला गर्मा गर्म चाय और अयान्स के साथ कर रहे हैं मस्ती। अयान्स के साथ खेल रहे हैं। अरे बाप रे। हे फ्रेंड्स, मैं हूँ गांव में और शाम का वक्त हो गया है तो मैंने बनाना शुरू कर दिया है शाम का खाना। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी मैं गांव आती हूँ मैं चूल्हा ज़रूर जलाती हूँ और जो चावल है ना मैं वो चूल्हे में ही पकाती हूँ, क्योंकि ये जो चूल्हा का जो ताप है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी ठंडी के सीज़न में हम सिटी में क्या करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं और गर्म पानी से नहाते हैं, जो कि बॉडी के लिए ना अच्छा नहीं होता। पर जब कभी भी आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप चूल्हे से आग लें, चूल्हे का ताप लें और आग का जो गर्मी होती है ना, आग की जो गर्मी होती है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब कभी मैं गाँव आती हूँ मैं चूल्हा ज़रूर जलाती हूँ और चावल मैं इसी में बनाती हूँ। अगर मेरे पास समय होता है तो सब्जी भी मैं इसी में बना लेती हूँ। अगर समय की कमी होती है तो मैं गैस का यूज़ करती हूँ, गैस चूल्हे में बनाती हूँ। तो शाम के लिए मैंने चढ़ा लिया है ये बर्तन और ये देखिए मेरा चूल्हा जल गया है। फ्रेंड्स, गांव में अभी भी कुछ कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो एक यूनिक सी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग तो जानते होंगे पर कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं जो चीज़ दिखाने वाली हूँ, मैं जो सामान दिखाने वाली हूँ उसका यूज़ आज से कई सालों पहले ना इस चीज़ का यूज़ करते थे चावल को दाल को नापने के लिए। ये कोई तराजू नहीं है, जो तराजू जैसा कोई चीज़ नहीं है पर काम करता है बिल्कुल तराजू का। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये यूनिक सी चीज़ें आज भी आपको गांव में कहीं कहीं देखने को मिल जाएगी पर हर घरों में आज भी नहीं मिलती है। ये आज नहीं मिलती है हर घर में पर कहीं कहीं मिल जाती है। तो मैंने सोचा ये यूनिक सी चीज़ जो है मैं आपको दिखाऊँ, ये सामान जो है मैं आपको दिखाऊँ और हम इसका यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं मैं वो दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसका नाम बता दूँ, इसको कहते हैं पैला। पैला इसका नाम है और हो सकता है कि दूसरे जो क्षेत्र है, दूसरी जगह है वहाँ हमारे एरिया में इसको पैला ही कहते हैं। और ये इस तरह से सिल्वर का बना होता है। ये मार्केट में, हमारे इस साइड तो मार्केट में भी मिल जाता है और इसका यूज़ हम करते हैं चावल को दाल को नापने के लिए। हाँ, अच्छा अयान्स आ गया अब मेरी मदद करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ इसे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पूरा भरेंगे अयान्स, इसमें हम पूरा भरेंगे। ये इस तरह से पूरा भरते हैं, क्योंकि ये छोटा है और ये पाव भर का है और ये बड़ा है तो ये किलो का है। तो इसमें बिल्कुल ये तराजू का काम करता है पर ये इस तरह से, और इसको पूरा भर लेंगे। ये देखिए अयान्स आ गया है और मेरी मदद कर रहा है। मदद कम, वो मुझे मेरा काम को ख़राब ज़्यादा करता है पर कोई नहीं, अयान्स भी इससे सीखता है।
वन एंड टू, एक बार और पूरा भरिए। सबसे पहले इसको पूरा भरेंगे हम, ठीक है? सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पूरा भरेंगे, है ना? उसके बाद ये डालेंगे हम थ्री, उसके बाद फिर से इसमें भरेंगे पूरा। तो इस तरह से ये जो है पहला, ये जो सामान देख रहे हैं इसका चीज़ों को, चावल हो गया, दाल हो गया, सरसों हो गया, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये इसको हम छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं ना, इसको हम नापने के लिए करते हैं। चलो इसमें डालो, ठीक। तो बस ये हमारा शाम का जो खाने का तैयारी है वो चल रहा है, और हम लोगों ने नाप लिया है शाम के लिए ये चावल। बड़ी मम्मी चावल छांट के हमको दी और हम बना रहे हैं शाम का खाना। अब मैं जा रही हूँ, चावल को है नाप के धो के मैंने रख दिया है गर्म पानी डाल के। अब मैं जा रही हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में है सरसों का साग, और आज बनने वाला है सरसों का साग, और मैंने दाल भी बना लिया है। अब सरसों का साग मैं धोकर आती हूँ, उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी इसकी सब्जी। जब आप बच्चे को अपने साथ में इन्वॉल्व करते हैं, जब 0-3 ईयर के जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, इस समय उनका जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा चंचल होता है, और बहुत जल्दी ही हर चीज़ को वो कैच करते हैं। तो इस समय जो है 2-3 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, उसको आप मोबाइल से और टीवी से, वीडियो गेम से आप इसी तरह दूर रख सकते हैं। आप अपने साथ किचन में इन्वॉल्व करिए, और जो भी आप काम करते हैं उसमें आप उनको सही आदतें सिखाइए, सही चीज़ें बताइए। और जैसे मैं अभी चावल नाप रही थी, अयांश मुझे मदद कर रहा था, और इसमें क्या है, वो मेरी मदद तो करना सीख ही रहा था, साथ में साथ वो काउंट करना भी सीख रहा था, और किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को भी वो सीख रहा था। तो इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उसको किचन में आप इन्वॉल्व करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें उनको सिखा पाएंगे। किचन में कई सारे डब्बे होते हैं, कई सारे शेप के डब्बे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उससे आप शेप का ज्ञान उनको करा सकते हैं। और किसी में मतलब आप इसी से किचन में ही रखे कई सामान से आप उन्हें कलर का भी ज्ञान करा सकते हैं, इसी तरह ठंडा गर्म का ज्ञान करा सकते हैं, और कौन आपको नुकसान पहुंचाएगा, कौन आपके लिए अच्छा होगा, किसको छूना है, किसको नहीं छूना है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, सब आप अपने किचन में अपने छोटे बच्चे को सिखा सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना, माँ जो होती है बच्चे के लिए पहली गुरु होती है। हर चीज़ बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से ही सीखता है। तो इस समय अयांश जो है 2 ईयर का हो गया है, 2 ईयर 2 मंथ का हो गया है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा चंचल है। तो मैं तो उसको अपने साथ ही रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ ही रहे, और हर एक्टिविटी वो मेरे साथ में करता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे सीखे, और जो कुछ भी वो खेलता है उस पे मैं उसको सिखाती हूँ, साथ में मैं भी सीखती हूँ, और हम दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पर ड्यूटी प्लेस में हमारे साथ हमारा कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता, तो हम दोनों ही रूम में होते हैं, और सुबह और शाम हमारे साथ दीदियाँ होती हैं, पर दोपहर के टाइम में या रात में जब दीदियाँ अपनी पढ़ाई कर रही होती हैं तो हम दोनों ही सिर्फ साथ होते हैं। उस समय भी हम बहुत सारी ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जो कि अयांश को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है सीखने में, समझने में, और किसी भी चीज़ को एनालाइज करने में। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो
उम्मीद करती हूँ मेरा जो ये व्लॉग है, वीडियो है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे वीडियो के ज़रिए मैं आपको सिखाऊं और दिखाऊं कि क्या क्या एक्टिविटी करके हम बच्चों को इंगेज रख सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चे को हम अपने साथ अपने निगरानी में रखते हैं। दूसरी चीज़ें ये कि इस समय जो बच्चा होता है उसका माइंड जो है इतना ज़्यादा चंचल होता है, इतना ज़्यादा उनका कैचिंग पावर होता है, इसी समय बच्चे हर चीज़ सीखते हैं। तो मैं जो अयांस के साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ, उसको जो मैं सिखाती हूँ वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। शाम का समय है, बहुत लंबा वीडियो बनाना अभी संभव नहीं है मेरे लिए, तो बस मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और शाम भी हो गई है, अब अंधकार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ का शाम का व्यू। और बस मैं डिनर की तैयारी में लग गई हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।